छत्तीसगढ़ में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की दशा और दिशा सुधारने के लिए पार्टी में फेरबदल किए गए हैं। राष्ट्रीय नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा और प्रदेश संगठन में बदलाव ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के बाद प्रदेश संगठन के नए चेहरों को मौका दिया गया है। अब जिला स्तर पर बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने और भूपेश सरकार को आक्रामक रूप से घेरने का महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए जाने की बातें कही जा रही हैं। प्रदेश की कार्यकारिणी में अधिकांश पुराने नेताओं को साइड लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक महीने में प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी को भी हटा दिया है। इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी में भी बदलाव कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सामने मुख्यमंत्री का पिछड़े वर्ग का होना और किसान होना सबसे बड़ी चुनौती है। इस सच की वजह से उनको हटाया गया है। इधर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी भी ओबीसी वर्ग को ध्यान में रखकर शीर्ष पदों पर उसी जाति वर्ग को साधने में लगी है। बता दें, छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में वापसी को लेकर रणनीति बना रही है। एक महीने में शीर्ष पदों पर हुए बदलाव ने भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक खलबली मचा दी है। हालांकि नेता इसे पार्टी की गतिविधियां बताते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा मिशन 2023 है। भारतीय जनता पार्टी ने 9 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का आदेश दिया। विष्णुदेव साय की जगह अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। 17 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को जिम्मेदारी दी गई। बाद प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी को भी बदल दिया गया है। 2 दिन पहले प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं। बता दें, अब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में पूरी टीम को नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की लड़ाई और संगठन को मजबूत करने के लिए यह बदलाव किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय टीम में 60+ वालों की छुट्टी कर दी गई है। अब जिला संगठनों में बदलाव होंगे। 26 जिलों के अध्यक्षों और जिला महामंत्रियों को बदलने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव को लेकर फ्रेशर कैंडिडेट की तलाश भी शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार पार्टी 50% युवाओं को टिकट देने पर विचार कर रही है। पिछली बार की तरह कई नेताओं के टिकट इस बार भी कटेंगे। हारे हुए प्रत्याशियों को संभवतः इस बार टिकट ना मिले। लंबे समय तक एक ही चेहरे को रिपीट करने का नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।